तो मैंने भोग लगा दिया है और गणपति मतलब शाम के बज रहे हैं 5 और मैंने यहाँ पे जो दाल भी बोई थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि जो भगोना जो है डोंगा मेरा छोटा है, जिसकी वजह से ना दाल तो बहुत अच्छे से फूल गई है और मुझे पीसना भी है इसको। तो मैं पहले, मुझे लगी है बहुत जोरों से भूख और मुझे जाना है प्लॉट पे, तो अभी बर्तन वाली भी नहीं आई हैं और मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए चूड़ा भिगो लेती हूँ, क्योंकि चूड़ा मैं कई ही दिनों से खाने की सोच रही थी लेकिन भिगो नहीं रही थी। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कौन कौन आ रहा है चूड़ा चूड़ा खाने में? और यहाँ पे चूड़ा थोड़ा सा भिगोंगी। कौन कौन खाएगा चूड़ा? और यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए, और बर्तन भी खाली करना है, चावल वगैरह। ज्योति भी आ रही होंगी, तो पहले ज्योति के आने से पहले मैं कोशिश करूँगी कि फटाक से मैं ये काम कर लेती हूँ। जो बर्तन नहीं मिल रहे थे तो डोंगा मिला है, और एक डोंगा मेरा नहीं दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो डोंगा कहाँ गया। तो मैं थोड़ा सा चूड़ा भिगोंगी, क्योंकि भूख भी जाती हूँ, और ज़्यादा भिगो लूँगी ना तो फिर परेशान हो जाऊँगी, खाऊंगी नहीं। बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए बच्चों के चक्कर में मैं भी कभी नहीं कोशिश करती हूँ कि मैं भी खाऊँ। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि यार बच्चे खाएं ना खाएं, क्योंकि बच्चों को नहीं सब पसंद आता। पोहा बना देते हैं तो वो खा लेते हैं, लेकिन चूड़ा वगैरह। तो यहाँ पे हमने चूड़ा को धुल लिया है। अब इसमें क्या क्या डालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दूध, अब मैंने लिया है चीनी। इसमें चीनी अपने मीठे के अकॉर्डिंग के हिसाब से डालेंगे, तो ये थोड़ा सा और डाल लेते हैं क्योंकि दूध रहेगा। तो मेरा चीनी जो है पड़ गया है, और ये फटाफट से तैयार होने वाला भोजन है। एक इससे मुझे याद आया, बॉयल हो चुका है, फटाक से उबलने वाला था, और ये चूड़ा जो मैंने चीनी डाल रखी है। तो मुझे एक बात, मैं हम लोग जब हम छोटे से जब थे तब की बात बता रही हूँ। मेरे के यहाँ आए थे पापा के, मेरे मौसी के लड़के, तो मेरे पापा के बड़े भाई हुए। तो वो मेरी माँ उन्हें चूड़ा भिगो के दी, तो उन्होंने कहा अरे वाह इतना अच्छा, ये तो जल्दी से चुटकियों में बनने वाला पका पकान खाना तैयार हो गया। उनको बहुत अच्छा लगा। फिर जाते समय ना उन्होंने जाते समय पापा से बोला कि आप मुझे इस चूड़ा को कुटवा के दे दीजिए, मैं लेके जाऊंगा। तो फिर मेरी माँ चूड़ा भिगो धान भिगोई, फिर उनको चूड़ा कुटवा के थक दी। तो मैं जब भी चूड़ा बनाती हूँ ये चीज़ मुझे याद आ जाता है। आए चूड़ा खाने, तो मैं तो चल रही चूड़ा खाने। दाल भी मेरा परफेक्ट भीग गया, जो मैंने सोचा था कि नहीं भीगेगा। और अभी भी ज्योति अभी आ रही है। तो ज्योति आ गए हैं, और इनके आने पे बर्तन सोचती हूँ खाली कर लूँ। सोचती क्या हूँ, पहले सोचती हूँ खाली कर लूँ, लेकिन ये होता है कि अभी ज्योति आई नहीं है, अभी आ जाएंगी तब खाली कर दूँगी। तो जब तक वो बर्तन वहाँ पे रखेंगी सिंक से ला के आंगन में, तब तक हम बर्तन स्टैंड पे लगा देंगे। और बर्तन सूख भी जाते हैं, गर्मी आ गई है ना, तो अब ज़्यादा अच्छे से सूख जाते हैं। ठंडी में तो कुछ गीले रह जाते हैं, तो गीले रह जाते थे तो कपड़े से पोछ साफ़ करके रखना पड़ता था। और यहाँ पर सारे बर्तन जो है सेट करके मैं रख दूंगी, तो फटाफट से ये काम मैं ख़त्म कर लूँ। तो बर्तन से ज़्यादा ना छोटे छोटे बर्तन जो है वो रखने में टफ होता है, बड़े बड़े बर्तन तो जल्दी जल्दी से फटाफट से रख लेते हैं। जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, चम्मच वगैरह, कटोरी वगैरह का, और श्रेया का रही खांसी, जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रही हैं। अब कढ़ाई वगैरह है तो इसको हम हटा के रख देंगे जगह से,
और वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी साड़ी कैसा लग रही है ये ज़रूर आप लोग बताइएगा। पिंक कलर की है और मैंने इसको कर दिया है प्रेस, और प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा खिलने लगी है, क्योंकि इसी वजह से मैं इस साड़ी को नहीं पहनती थी और पहनना बंद करी थी। और अभी बर्तन वाला जो काम है वो नहीं ख़त्म हो रहा है, मतलब बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हैं। और ज्योति आ गई है, उससे बातें भी कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बड़े हल्के में ले रही हूँ ना, इसलिए ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं ख़त्म हो रहा है। और हालांकि सुबह में बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो ही जाता है, रात का भी रहता है और मतलब सुबह का भी रहता है, तो इसी में ज़्यादा बर्तन रखने में वो हो जाता है। सारे कपड़े जो है ले लिए हैं, बेटे जी का यहाँ पर रख दूँगी और उसके बाद और मुझे एक तो मेरे दिमाग में लगा था कि मुझे जाना है यहाँ से जल्दी से काम ख़त्म करके प्लॉट पे, और बच्चों का इंतज़ार कर रही थी, यही सब चीज़ में थोड़ा सा मन भी बहुत कम लग रहा था। तो चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ हम फिर से मिलते हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, चैनल पहली बार विजिट करो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, और बाय।